एक चक्षु नारियल, एक अक्षु नारियल श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में तीन छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था? कि शंकर भगवान को 108 बेल पत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेल पत्र समर्पित कर देना। बेल पत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना, वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना, 108 सफेद फूल भी नहीं हो मूंग समर्पित कर देना, जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। ये उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में तीन नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे तीन नेत्र मिलेंगे, तीन छिद्र मिलेंगे, वो तीन चक्षु हैं। शंकर के तीन नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है, एक चक्षु नारियल, मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके तीन नेत्र की जगह एक नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? एक नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज, श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो तीन चक्षु नारियल, तीन नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके तीन नेत्र होते हैं, तीन चक्षु होते हैं। और एक चक्षु वाला, एक नेत्र वाला 10,000 से 15,000 श्रीफल में नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका एक नेत्र होता है, उसमें तीन नेत्र नहीं होते, एक एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की दहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नारियल।